अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बना रही हूँ पैनकेक, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैदा ले लें। मैदा मैंने 1.5 कप ले लिया है। इसमें डालूंगी मैं कोको पाउडर, ये 1 बड़ा चम्मच है। कोको पाउडर इसमें शामिल कर लें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी कास्टर शुगर, पिसी हुई चीनी, ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच है। अब ले लूंगी मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो है वो मैंने आधा चम्मच लिया, छोटा आधा चम्मच, और बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया 1 चम्मच छोटा, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी नमक, एक चुटकी नमक इसमें शामिल कर लें। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से उनको। इस तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े का केक बनता है ये। अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी। दूध ले लिए मैंने 1 कप, गरम दूध है ये। इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। ये एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ये सारा बैटर इसमें मिक्स करना, सॉरी दूध इसमें मिक्स करूंगी मैं इस तरह से। इसको मिक्स कर लें। बाकी का दूध भी मैं इसमें शामिल करूंगी। ये सारा अच्छी तरह से इसको बगैर अंडे के ये बनता है, बहुत ही मजेदार। दूध सारा मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मिक्स करें। आप चेक कर सकते हैं बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं इस तरह से। अब मैं पैनकेक बनाऊंगी। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया, चूल्हा मैंने जला लिया। अब इस पे मक्खन लगा लूंगी मैं। मक्खन लगा लें इस पे सारे पैन पे। इस तरह से मैंने इस पे मक्खन लगा दी। चूल्हे को मैं आहिस्ता कर दूंगी। और जो मैंने बैटर बनाया था अब उसमें मैं वनीला एसेंस तकरीबन 1 चम्मच जो है, 1 बड़ा चम्मच वो शामिल करूंगी।
वनीला एसेंस एक चम्मच बड़ा उसमें शामिल किया मैंने। इसको मिक्स कर लें इस तरह से। उधर हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, पैन गर्म हो चुका है। अब ये बैटर जो है वो मैं इस पे डालूंगी पैन पे, इस तरह से चम्मच ले लें उस चम्मच की मदद से और डाल लें बैटर थोड़ा। इस तरह से बैटर इस पे डाल लें इस तरह से। देख सकते हैं आप बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको पलट दें इस तरह से। बहुत ही मजेदार बनता है ये केक। केक तैयार हो चुका है, अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरह से बाकी भी बना लें। इसके भी जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको पलट देंगे। इसके भी बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, इसको भी पलट दूंगी मैं। ये थोड़ा सा जल गया, बाकी भी आप इसी तरह से कर लें और पैनकेक तैयार कर। पैनकेक हो चुका है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। चॉकलेट सॉस इसके ऊपर। और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी को मैंने काट ली है। चेरी भी ले सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी भी ले लें। दूसरी साइड पे ये स्ट्रॉबेरी रख दें। पैनकेक हमारा तैयार हो चुका है, इसे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट सिरप के साथ इस तरह डेकोरेट कर लें। बहुत ही मज़े का बनता है ये, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।